अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, भारत की आज़ादी से लेकर आज तक देश के मुसलमानों का योगदान सराहनीय रहा है और आज भी जब पूरी दुनिया के साथ भारत भी इस खतरनाक वायरस से लड़ रहा है, इसे देखते हुए भारत में सरकार ने लोगों से सहयोग देने की बात की है और इसके मद्देनज़र लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर रोक है और देश के धर्म गुरुओं से भी आग्रह किया है कि वे लोगों को इस बारे में जागरूक करें। राजधानी दिल्ली में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने और इसके ना फैलने को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली के दूसरे हिस्सों की तरह उत्तर पूर्वी जिले में भी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया और लोगों से बाकायदा लाउड स्पीकर से आह्वान किया गया कि लोग अपने अपने घरों में पूजा करें। कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ऐसी आपदा से दरखास्त आ जाती है कि सभी हजरात अपने घरों में रहें, गलियों में ना बैठें, वो भी बंद करने की हिमायत की है। और देखा ही जा रहा है कि अपने मुस्लिम मस्जिदों में भी कुछ जगह पर बोर्ड लगे, किस तरह का यह अपने ऐलान जो हुआ है? देखिए, हुकूमत जो करती है वो जो है लोगों के फायदे के लिए उन्होंने किया है। हुकूमत समझती है कि हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि ये तमाम दुनिया जो हिंदुस्तान है पूरा उनके नागरिक है, उसके आवाम है, उनकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है और फर्ज है। हुकूमत ने जो भी ऐलान किया है हम उसकी पूरी पूरी हिमायत करते हैं, इसलिए कि हुकूमत ने कोई अपने लिए नहीं किया और ना ही किसी मजहब के खिलाफ किया। उन्होंने कहा है कि बीमारी जो कोरोना वायरस चल रही है ऐसी वबा है कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने भी ये किया कि भाई एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हो और 5-7-10 के अलावा ज्यादा इकट्ठे ना हो। मस्जिदों में चूंकि नमाज एकदम होती है तो हजारों आदमी आते तो वो भी ना, और वो एक के लिए नहीं, मंदिरों में पूजा करने आते तो वो भी अकेले अकेले तो आए लेकिन मिलकर ना आए। तो इसी वजह से मस्जिद की कमेटियों ने और उलमा ने भी कि भाई हुकूमत हमारी है, हमारे फायदे के लिए किया है। लोगों ने दरवाजों पे बोर्ड भी लगा दिए, बहुत सारों ने लिख के लगाया है और मैं भी अभी लिखवाया है, मैं भी लगा रहा हूँ, जबकि मेरा दरवाजा बंद है सुबह से, बाहर मेन दरवाजा आपने भी देखा होगा पूरा बंद है जी जी। मैं भी इसको लगवा रहा हूँ कि लोग अपने घरों पर पढ़े, अजान बेशक हो, नमाज जो है घरों पर पढ़ ले और हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई मस्जिद में ही नमाज होगी, तमाम रुए जमीन हमारे लिए तो वो है जहाँ चाहे नमाज पढ़ ले, सड़क हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, जंगल हो, तो मस्जिद एक इसलिए बना लेते हैं कि भाई एक जगह है, पाक साफ रहेगी और हम इसमें नमाज पढ़ेंगे, लिहाजा अजान हो और नमाज अपने घरों पर पढ़े। हमने भी इसी का ऐलान किया है और एहतियात इसी में ही है, लोग बाहर ना निकले, कोई बहुत जरूरी काम है जाए। अब लोगों ने ऐसा वो मचा रखा है जैसे कोई छुट्टी हो, कोई त्योहार मनाया है, काम तो है नहीं, गलियों में खेल रहे कूद रहे, बच्चों को बूढ़ों को सबको ज्यादा हिफाजत करने की जरूरत है और बच्चे गलियों में कूद रहे, और जो भी लोग हैं वो अपने घरों में रहे, बहुत जरूरी कोई काम हो निकले वरना घरों में रहे। नमाज घरों में अदा करें, मस्जिदों में ना जाएं। और इसलिए आज यमुना पार की ज्यादातर मस्जिदों में इस अपील का असर भी देखा गया और लोगों ने मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाए जिन पर लिखा हुआ था कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। कौन सी जगह सर लगती है? जाफराबाद। सर बता रहे हैं कि जिस तरीके सरकार ने कहा सारे धार्मिक स्थल जो एक वायरस चला है कोरोना वायरस उसके लिए बंद कर दिए गए हैं। हाँ, हम सब लोगों की ड्यूटी लगती है कि सरकार जो आदेश कर रही है उसको हम फॉलो करें जी, वो अच्छी बात है, इसमें बचाव हमारा ही है, तो ये कहीं ना कहीं सही है इस तरीके। हाँ, बिल्कुल सही। तो कई मस्जिद तो अनाउंसमेंट हो रही है, पूरे एरिया की मस्जिद में ऐलान कर दिया है सब इमामों ने कि आप अपने अजान सिर्फ हो जाती है इसलिए कि नमाज का टाइम बता दिया जाता है कि आप नमाज अपने घर में पढ़ लो, बाकी जो सरकार ने आदेश करा है उसका पालन पूरा पालन चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वायरस को लेकर लोगों में किस हद तक खौफ है। पंडित जी अपना नाम बताइए। पंडित भगवत प्रसाद शर्मा जी, श्री सनातन धर्म मंदिर, न्यू शीलमपुर मार्केट। पंडित जी, आपको जिस तरह से महामारी का प्रकोप चल रहा है, क्या आपने भी मंदिर को बंद करने की कुछ घोषणा की हुई है इस तरह की? देखिए, महामारी का ये प्रकोप चल रहा है के बारे में जैसे भी हमारी सरकार गवर्नमेंट ने कहा है, हाँ उसी प्रकार से हम चल रहे हैं। हाँ, सुबह शाम मंदिर में आरती पूजा हम जरूर करते हैं, बाकी मंदिर बंद रहता है। हाँ, और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस महामारी को दूर करे और सारे देश में सुख शांति अमन चैन प्राप्त हो। कोई श्रद्धालु भी आते हैं यहाँ कोई मंदिर में? श्रद्धालु
ज़्यादा नहीं आते, एक दो चार आदमी कभी कभार आ जाते हैं सुबह शाम, एक जिनको पता नहीं होता होगा, जिनको पता नहीं होता। अच्छा, आप उन्हें बता देते हैं फिर? उन्हें फिर हम बता देते हैं कि अभी अली 31 तारीख तक की है, तो आप घर बैठ कर ही अपना भगवान का भजन करें, सुमरण करें। पंडित जी, इतने टाइम से आप पुजारी भी हैं और सारी चीज़ देखते हैं, कभी आपने ऐसा सुना है, कभी भविष्य में मतलब कभी हुआ आपके साथ, सुना कभी आपने ऐसा हुआ हो कभी कि मंदिर बंद करने पड़ गए हो? महामारी के उसमें तो कभी ऐसा नहीं सुना कि महामारी, एक बीमारी फैली हुई है, ये प्रकोप फैला हुआ है, इस कारण मंदिर बंद करो, ऐसा तो हमने अभी तक हाल ही नहीं सुना। हाँ, वैसे कभी कभार, क्योंकि सीलमपुर कुछ क्षेत्र है जो ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम दोनों तरह का है, तो कभी कभार ऐसा। और सरकार की तरफ से जिस तरह का आपने भविष्य मतलब पूरे उसमें पहली बार देखा है जीवन में? हाँ, सरकार की तरफ से पहली बार देखा है। बाकी है जो सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, सरकार ने गलत कदम नहीं उठाया, अच्छा कदम उठाया, क्योंकि हम एक दूसरे से थोड़ा बच करके रहेंगे या अपने घर पे बैठेंगे तो शायद ये महामारी का कोप कम हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये एक दूसरे से टच बीमारी है, टच होने से, हाँ, हवा में उड़ने वाली बीमारी नहीं कि जो हवा में उड़ कर फैल रही हो, एक दूसरे से टच बीमारी है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने, हमारे इंजीनियरों ने या वैज्ञानिकों ने जो भी कदम उठाया है वो ठीक उठाया है, उसका हमको पालन करना चाहिए। देखना यह होगा कि सरकार की अपील और बचाव के बाद वायरस को किस हद तक फैलने से रोका जा सकता है। और कहा जा रहा है कि ये ही सही समय है देशभक्ति दिखाने का। हम भी नूरानी खबरों की ओर से लोगों से अपील करते हैं कि इस नाजुक मौके पर सरकार का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेके सभी मस्जिदों के अंदर ये ऐलान किया है, और हमारे जो दीन के उलेमा हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आप लोग घर पे ही नमाज़ पढ़ें, तो हम पूरी तरीके से उस पर अमल कर रहे हैं, और हमारे घर में सभी ने अभी घर में ही नमाज़ पढ़ी है, और हम जो है सरकार के साथ हैं, और जिस तरीके से सरकार या हमारे दीन के जो उलेमा हैं वो हमें आदेश करेंगे, हम उसका पालन करेंगे, और हम पूरे देश के साथ हैं सुख में दुख में, और हम जो है घर पे ही नमाज़ पढ़ेंगे। ये बड़ा अच्छा फैसला है। इसको देखते हुए अगर कुछ समय के लिए मस्जिदों को बंद भी कर दिया गया है तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, हमें सबको इस चीज़ को मानना चाहिए। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने जानने मिलने वालों को शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव और शिकायत हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।